हेलो एवरी वन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल एक बार सभी लोग मुझे कॉमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी निमेशा मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ये न्यू ईयर आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारे सिलेक्शंस जॉब इंडिपेंडेंस फ्रीडम फिनंशियल इंडिपेंडेंस वेल्थ प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए सो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कैबलरी के साथ और आज का पहला शब्द है पार्टिसन शिप देखो लास्ट में शिप लग रहा है जब भी लास्ट में शिप लगता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है नाउन चलो पार्टिसन का मतलब क्या होता है पार्टिसन होना कोई इंसान अगर पार्टिसन होता है इसका मतलब वो इंसान कैसा होता है वो एक पार्टी की तरफ होता है दूसरी पार्टी की तरफ नहीं होता इसका मतलब वो इंसान बायस्ड होता है इसका मतलब वो इंसान प्रेजुडिस्ड होता है इसका मतलब वो इंसान पार्शियल होता है वो एक तरफा होता है ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बायस प्रेजिस्ट या पार्शियल होना और इस, इस फैक्ट को क्या बोलते हैं इस फैक्ट को बोलते हैं पार्टिसनशिप द फैक्ट ऑफ शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुल पक्षपात बायस पार्शियलिटी एंटनिम्स क्या हो गया कोई पक्षपात नहीं हो रहा आप एकदम इक्विटी को फॉलो करो एकदम आप बराबर हो आप एकदम न्यूट्रल हो फेयर हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रुकावट आई क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिसनशिप थी टीम मेंबर्स के बीच में मतलब बहुत ज्यादा पार्शियलिटी चल रही थी अगले वर्ड पे आते हैं एग्जिबिट करना आप किसी चीज को एग्जिबिट कर रहे हो उसका मतलब है आप उस चीज को शो कर रहे हो आप डिस्प्ले कर रहे हो शोकेस कर रहे हो आप उस चीज को सामने लेके आ रहे हो दैट मीन्स आप एग्जिबिट कर रहे हो दिखा रहे हो एंटोनिम्स हो गए कंसील करना कंसील करने का मतलब क्या होता है छुपाना एक ब्यूटी प्रोडक्ट आता है कंसीलर जैसे जनरली कहीं पार्टी वार्टी में जाओ उससे पहले लो काफी लोग लगाते हैं जिससे कि उनकी स्किन के दाग धब्बे छुप जाए स्किन, स्किन की ब्लैकनेस छुप जाए कंसीलर कहाँ से वर्ड बना ये वर्ड कंसील से कंसील मीन्स छिपाना छिपाना भी नहीं आता मतलब कंसील करना नहीं आता तुमको व्हील व्हील वर्ड का मीनिंग क्या होता है घूंगट ये घूंघट जो होता है चेहरे के आगे इसको क्या बोलते हैं जीपसा बन गया आई एम सॉरी फॉर दैट दिस इज वॉट व्हील व्हील मीन्स घूंगट तो व्हील का मतलब क्या हो गया छुपा लेना अगर व्हील का मतलब छुपा लेना है तो अनवील वर्ड का मीनिंग क्या हो गया अनवील वर्ड का मीनिंग हो गया लोगों को बता देना डिस्क्लोज करना एक और वर्ड होता है इसको बोलते हैं रिवील करना आपने किसी चीज को डिस्कलोज कर दिया रिवील कर दिया लोगों के सामने लाके रख दिया तो सरहा जो है अपने आर्टवर्क को दिखाएगी लोकल गैलरी पे अगले हफ्ते एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड अगले शब्द पे आते हैं पॉम्प पॉम्प एंड शो के साथ उसने अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे मनाई पॉम्प एंड शो दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं पॉम्प एंड शो इसका मतलब क्या होता है बड़े ही धूमधाम से बहुत ही इम्प्रेसिव बहुत ही कलरफुल सेरेमनीज थी पब्लिक ओकेजन्स पे होती हैं किसी भी की बर्थडे पे एनिवर्सरी पे होती है मीन्स बहुत ही ग्रैंड्योर और बहुत ही मैग्निफिकेंस मीन्स बहुत ही शानदार तरीके से एंटेनिम्स क्या हो गए एकदम सिंपली सिंप्लिसिटी के साथ मॉडेस्टी बहुत हम्बल होकर कोई धूमधाम से कोई शोर शराबा नहीं किया तो जो रॉयल प्रोसेशन है जो पूरी की पूरी मार्च थी वो बहुत ही पॉम्प के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे शहर में मूव स्पीच क्या है ये शब्द आपका नाउन है मोमेंटस लास्ट में ओ एस लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया एडजेक्टिव इस मोमेंटस पे जितने स्टार मार्क करने कर लो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आए हैं मोमेंटस किन चीजों को बोलते हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनका आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मोमेंटस मोमेंटस मीनस पाइवर्टल कॉन्सिक्वेंशल मीन वेरी क्रूशियल समथिंग विच इज वेरी वाइटल एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं इनडिसबल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंटनिम्स क्या हो गया ट्रिवियल मामूली सी है माइनर मामूली सी है और क्या लिख सकते हैं पेटी है पेटी मीनस मामूली सी है, एक डायरेक्ट एंटेनिम नहीं होता बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मियागर मियागर का मीनिंग क्या होता है बहुत मामूली सा अमाउंट बहुत इतू सा अमाउंट इस वर्स दैट इज वॉट मियागर तो एक्सेप्टेंस लेटर को ओपन करना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट लगा उसकी ज़िंदगी अगले वर्ड पे आते हैं एंग्विश एंग्विश का मीनिंग क्या होता है जब होता है ना आप कोई चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है तो हद से ज़्यादा जो नाखुशी होती है तो वो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं उस फीलिंग को बोलते हैं एंग्विश मीन्स दर्द दुख पीड़ा डिस्ट्रेस एग्नी एंग्विश दुख दर्द एंटेनिम्स क्या हो गए सुकून मिला डिलाइट सेटिस्फाइड हो गए आप हैप्पी हो गए कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन मिला आप बहुत अब खुश हो तो एक्सीडेंट को देखना विटनेस मिस चश्मदीद गवाह होना तो एक्सीडेंट को उसने देखा इसकी वजह से वो एक बहुत ही हेल्पलेस एंग्विश से भर गया बहुत ही दुख से भर गया पार्ट ऑफ स्पीच ये शब्द आपका नाउन है पोटेंसी मिस किसी के अंदर क्या पावर है उस काम को करने की दैट इज वॉट पोटेंसी आपकी पोटेंसी क्या है आपकी पावर कितनी है इस पोटेंसी वर्ड से ना बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं उस काम को करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं एक वर्ड बन, और बनता है ओमनी पोटेंट इसमें रूट वर्ड है ओमनी ओमनी का मीनिंग होता है ऑल और पोटेंट मीन्स पावर से रिलेटेड तो ऑल पावरफुल इसे शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश ओमनी पोटेंट बींग्स हैं मतलब दे आर ऑल पावरफुल आपकी पोटेंसी क्या है आपकी एफिकेसी क्या है स्ट्रेंथ क्या है एफिकेसी सिमिलर टू एफिशिएंसी आपकी जो एफिशिएंसी है आपकी जो कैपेबिलिटी है किसी काम को करने में आप कितना सक्षम है वो आपकी पोटेंसी है लास्ट में ई एन सी वाई लग रहा है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउन हो गया एंटेनिम्स इनकैपेसिटी कैपेसिटी है नहीं एनर्वेशन पे डबल स्टार मार्क करो एनर्वेशन का मतलब क्या है आप बहुत बुरी तरीके से थक चुके हो आप आपके अंदर काम करने की काबिलियत ही नहीं है दैट इज वॉट एनर्वेशन तो जो मेडिसिन की जो काबिलियत थी जो उसकी पावर थी उसकी वजह से उसका जो सर का दर्द था वो बहुत जल्दी ठीक हो गया अगले शब्द पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज हे डेज सॉरी डेज का मतलब क्या होता है hey होते हैं सबसे ज्यादा अच्छे साल अपनी जिंदगी के उसको बोलते हैं आपके डेज मीन्स आपके गोल्डन ईयर्स आपके हेलिकॉन डेज मीन ऐसा टाइम जब आप बहुत खुश थे तो शादी के बाद इंसान के डेज स्टार्ट हो जाते हैं कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल पॉपुलर गुड टाइम ऑफ समम्स क्या हो गए रॉक बॉटम बहुत ही खराब समय आ जाना डार्क एज बहुत ही खराब समय कंपनी ने अपने बहुत अच्छे दिन एक्सपीरियंस किए नाइनटीन में जब उसके प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए स्पीच क्या हो गया राइट right, ये शब्द आपका नाउन है अगला वर्ड है डिसकंटेंट कंटेंट का मीनिंग क्या होता है सेटिस्फैक्शन डिसकंटेंट का मीनिंग क्या हो गया आप सेटिस्फाइड नहीं हो आप ना खुश हो आपके अंदर असंतोष है संतोष नहीं है सेटिस्फैक्शन नहीं है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिसटिस्फैक्शन है डिसग्रंटलमेंट है डिसकंटेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन नाउ एंट ग्राटिफिकेशन है फुलफिलमेंट है सेटिसफैक्शन है कॉन्टेंटमेंट है मीन्स यू आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ तो एम्प्लॉय ने डिसकंटेंट एक्सप्रेस किया उनको संतोष नहीं था वो ना खुश थे नए वर्क पॉलिसीज से अगला वर्ड मैम अभी शादी हुई नहीं है तो इसलिए कह नहीं सकते हैं माइंड सेट तो पॉजिटिव रख सकते हैं इट चलो अगले शब्द पे पे आते हैं करने पे, जितने करने जितने स्टार मार्क कर लो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आप किसी चीज को एस्पाउस करते हो इसका मतलब क्या है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो आप उसको चैंपियन कर रहे हो एडवोकेट कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो अडॉप्ट कर रहे हो कि भाई हमारे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है दैट मीन्स आप उस चीज का समर्थन कर रहे होट इज एसपाउस करो एंटेनिम्स क्या हो गए अपोज कर रहे हो रिजेक्ट कर रहे हो उसके खिलाफ हो तो प्रोफेसर जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है और इस बात को वो अपने लेक्चर्स में हमेशा कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पाउस करते हैं एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वाट फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं पहला फ्रेजल वर्ब है रिलाई ऑन आप किसी चीज़ पर रिलाई ऑन कर रहे हो प्लीज़ आप उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो आप उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हो आप उस चीज़ पर भरोसा कर रहे हो आपको वो चीज़ चाहिए दैट मीन्स यू आर रिलाइंग ऑन इट आई एम कम्प्लीटली आई एम कम्पलीटली रिलाइंग ऑन योर लेक्चर्स मैम फॉर माई बैंकिंग और एस एस सी प्रिपेरेशन मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए मीन्स यू नीड इट यू आर बिलीविंग ऑन इट एंड यू वॉन्ट इट अगला वर्ड क्या हो गया हैंड ओवर करना किसी को दे देना आप कहीं गए तो आपने क्या किया अपने घर की चाबी किसी को हैंड ओवर कर दी हैंड ओवर कर देने का मतलब क्या है वो जिम्मेदारी आपने किसी को दे दी दैट मीन्स यू गेव इट टू दैट समीन्स यू हैंड इट ओवर कुछ इडियम्स है पहला है क्राइम फोल्ड क्राइम फोल्ड का मतलब क्या होता है आप कह रहे हो कि ये गर, इसमें कुछ गलत किया ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है ऐसे बार बार कह रहे हो दैट मीनस यू आर क्राइम फॉर फोल्ड सेंग दैट समथिंग दैट इज हैप्पीनेस अनफेयर और इलीगल अगला मेक द कट मेक द कट का मीनिंग क्या कोई चीज़ ज़रूरी है आप उस चीज़ के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो किसी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए मेक द कट मतलब जो चीज़ जरूरी थी आपने उस चीज़ को पूरा कर दिया स्टेइंग पुट आप एक ही जगह पे बने हुए हो आप चेंज ही नहीं हो रहे आपको जहाँ रखा गया था पुट किया गया था वहीं पे स्टे कर रहे हो मीन्स आप अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हो ये आर रिमेनिंग इन द सेम प्लेस और पोजिशन वो कैबलरी समझ आई सभी को एवरी वन येस और नो माई चैम्पियंस एक रिक्वेस्ट करूँगी सभी को बारह सौ बच्चे देख रहे हैं बट बारह सौ लाइक्स नहीं है एक बस सभी लोग तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे चलिए मैम न्यू ईयर पे डिस्काउंट मिल तो रहा है न्यू ईयर पे डिस्काउंट थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है कंप्लीट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कोड लगाते हो एच एन वाई थर्टी तो आपको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कल या परसों तक का ही है सेकेंड या थर्ड तक का ये मुझे कन्फर्म नहीं मैं है मैं कन्फर्म कर दूंगी बट स्टार्ट हो गया एच एंड वाई थर्टी लगा और के और क्या डिस्काउंट चाहिए बताओ चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे लेट्स मूव टू टू आर्टिकल परेड ऑफ यूनिटी परेड मीन्स मार्च देखा लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट बचपन में स्कूल में करवाते थे हमारे आपके भी करवाया होगा कभी कभी तो so, यूनिटी मीन्स एकता एकता की परेड पॉलिटिकल पार्टिसनशिप पार्टिसनशिप मीन्स एक तरफा होना बायस्डनेस पार्शियलिटी पक्षपात तो so, पॉलिटिकल पक्षपात की कोई भी जगह नहीं है रिपब्लिक डे पे सो पॉलिटिकल पार्टिसनशिप हैज नो प्लेस ऑन रिपब्लिक डे चलो देखते हैं पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे रीड इट रीडर डब्ल्यू हाँ जी चलिए समझते हैं और फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं टेबल यू प्रपोजल्स बाय द ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ऑफ मतलब जहाँ पे क्या है ऑपोजिशन ने रूल किया हुआ है उन्होंने कैसे प्रपोजल्स दिए टेबल्यू प्रपोजल्स दिए टेबल यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है मतलब किसी चीज़ को शो किया किसी चीज़ को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से एक बहुत अच्छे तरीके से इम, इमेज से शो किया तो ऐसे प्रपोजल्स जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने दिए कहाँ के दिल्ली के पंजाब के वेस्ट बंगाल के ये प्रपोजल्स उनमें से हैं और अमंग दोस्त दैट क्वालिफाइड फॉर जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं फॉर द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर तो इस साल की परेड के लिए वो प्रपोजल्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो परेड जो जनवरी ट्वेंटी सिक्स को होने वाली है लीडिंग टू जिसकी वजह से किस बात का इंज़ाम लगाया गया है एलिगेशन मीस एक्जेशन तो किस बात का इंजाम लगाया गया है इंजाम लगाया गया है पार्टिसनशिप का पार्शियलिटी का चलिए आगे देखते हैं आगे ऑर्थर क्या कह रहे हैं दी आम आदमी पार्टी दैट इज इन पावर इन डेली तो आम आदमी पार्टी जो कि पावर में है डेली में एंड पंजाब में भी है और तृणमूल कांग्रेस जो कि पावर में है वेस्ट बंगाल में आर क्राइम फोर्ट क्राइम फोर्ट का मीनिंग क्या है वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है चीक चिख के कहना गलत हो रहा है उसको बोलते हैं क्राइंग फोर्ट तो आम आदमी पार्टी और कौंग, तृणमूल कांग्रेस जो है वो चीख चीख के कह रही है कि गलत हो रहा है दिल्ली हैड प्रपोस्ट दिल्ली ने प्रस्ताव दिया शोके सिंह कि वो शो करें अपनी स्कूल की एजुकेशन को और हेल्थ सर्विसेज को एंड पंजाब गवर्नमेंट के प्लान्स हैं हैंड प्लान्स टू एग्जिबिट एग्जिबिट मीन्स शो करें स्टेज की हेरिटेज को स्टेज की विरासत को एंड एंडी हिस्ट्री और जो हिस्ट्री है उसके मार्टियर्स की जो लोग शहीद हुए हैं उनकी जो हिस्ट्री है जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट के लिए शहीद हुए उसको शो करे तो सरकार ने उस बात को मना कर दिया वेस्ट बंगाल प्रपोजल वेस्ट बंगाल का प्रपोजल है कि वो डिस्प्ले करें कन्याश्री प्रोजेक्ट कन्याश्री प्रोजेक्ट जो उनका है उसको वो शो करें जो लड़कियों को सर्व करता है स्टेट में मतलब तो गर्ल्स के लिए जो प्रोजेक्ट है तो उसको शो करें तो तीनों चीजों को मना कर दिया गया है तीनों ही तीनों चीजें रिपब्लिक डे परेड के लिए क्वालिफाई नहीं की पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हो गई दिल्ली ने बोला हम अपनी एजुकेशन दिखाएंगे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज दिखाएंगे पंजाब ने बोला हम अपनी हिस्ट्री दिखाएंगे हम अपनी विरासत दिखाएंगे वेस्ट बंगाल ने बोला हम अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे ये सब को रिजेक्ट कर दिया गया चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं एक तो मुझे पावर वर्ड का सब्जेक्ट बताएंगे सभी लोग कि ये जो पावर है इसका सब्जेक्ट क्या है Uh, एक मुझे क्या बताएँगे इसमें से बहुत ज़्यादा ग्रामर बहुत अच्छी यूज़ नहीं हुई है बहुत सिंपल सी ग्रामर है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है एक मुझे इसका टेंस बता दो एक मुझे इस आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो एक मुझे ये बता दो ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है बताएंगे आर का सब्जेक्ट क्या है देखो तो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरी पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस आर का सब्जेक्ट क्या है प्रपोजल्स पावर इज इन वॉट इज इन पावर तो पावर क्या है नाउन है हैव नॉट क्वालिफाइड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस है अगर हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती तो वो पैसिव वॉइस होता वॉस टू डिस्प्ले एक ही वर्ब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है दिस इज सिंपल पास्ट टेंस स्कोर एवरी वन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे अभी जी आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं लेट्स एंड वेस्ट बंगाल ऐसे के जो आए थे, पहले भी उनको रिजेक्ट किया गया है इन द केस ऑफ डेली के में उसके प्रपोजल्स को टर्न डाउन किया गया टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है रिजेक्ट करना तो डेली केस में इसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया गया है years, लगातार साल इन 2022 2022 में तमिलनाडु उनका जो पूरा का पूरा प्रपोजल था विच वॉज थीम्ड जो कि थीम्ड था कि स्टेट का क्या रोल है नेशनल मूवमेंट में वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ था उसको भी फाइनलाइज नहीं किया गया दी भारतीय जनता पार्टी हैज सेड भारतीय जनता पार्टी ने बोला दैट एज दीज्ल्यू एक्स टेब्लू एक्स मीन ये सारे के सारे प्रपोजल्स वर्नमेंट ये किस लिए थे कि पॉलिटिकल प्रमोशन हो सके ऑपोजिशन पार्टीज का तो ये सारे के सारे प्रपोजल्स इसलिए थे कि पार्टीज को प्रमोट किया जा सके दे डिड नॉट मेक द कट मेक द कट मीन वो क्वालिफाई नहीं किए दे डिड नॉट क्वालिफाई एलिगेशन एलिगेशन मीनस इंजाम पार्टीसनशिप के पार्शालिटी के इन्ज़ाम जो है सरफेस हुए सरफेस मीन सामने आए ड्यूरिंग द प्रीवियस यूपीए रजीम टू पिछले साल पहले की जो दो हजार चौदह से पहले यूपीए की सरकार थी रजीम मीन गवर्नमेंट या फिर रूल कह सकते हैं तो यू पी ए के रूल में भी ऐसे इल्ज़ाम सामने आए थे वेयर टब्ल्यू एक्स प्रपोज जहाँ पे जो प्रपोजल दिए थे बीजेपी रन गुजरात गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव नहीं किया गया था परेड के लिए बहुत सालों तक तो आता ने बोला इसे पॉलिटिक्स चलती है जब यूपीए रूल कर रहा था तो भारत बीजेपी ने कुछ दिए थे उनको अप्रूव नहीं किया गया था अब बीजेपी रूल कर रही है तो बाकी उन्हें जो दिए उनको अप्रूव नहीं किया गया तो ये सारा का सारा पॉलिटिक्स ही है और क्या कहा जाता है कि अपने प्रमोशन के लिए करते हैं तो प्रमोशन के लिए चीज़ की जाती है तो वो इसलिए क्वालिफाई नहीं करती अच्छा मुझे ये बता दो ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है हैव बीन टर्नड डाउन एक मुझे ये बता दो हैव बीन रिजेक्टेड ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है ये बता दो वॉस थीम ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है इस डिड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो ये बता दो मेंट एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है वर नॉट अप्रूव्ड सारे पैसेव वॉइस औरतें ने बहुत सारे भर भर के पैसेव वाइज यूज़ किए अगर आप देख रहे होंगे तो हैव बीन रिजेक्टेड पैसिव हैव बीन टर्नड पैसिव है वॉज थीम्ड पैसिव है वर मेंट पैसिव है वर नॉट अप्रूव्ड पैसेव है ऑल ऑफ द एम आर पैसिव वाइज क्यों क्योंकि वॉज वर या हैज और हैव प्लस बीन इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है इस डिड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है ये देखो कॉमा कॉमा के बीच में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस डिड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इस डिड वर्ब का सब्जेक्ट ये टेब्ल्यू है चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे हाँ जी आगे क्या लिखा हुआ है अ नेशनल सेलिब्रेशन इज वन अगर पूरी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इज वन दैट कैन डू विदाउट सच कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई विवाद नहीं होना चाहिए द रिपब्लिक डे परेड जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये एक कॉम्बिनेशन है ये एक मिक्स है किस चीज का पेट्रियाटिज्म का हमारे देश के प्रति प्रेम का एंड पॉम्प का पॉम्प मिस धूमधाम से उसको करने का शो का एंड एंड ऑब्जर्वेंस और ये किस चीज़ को दिखाता है ये ऑब्जर्वेंस मतलब हम सब इस बात को मानते हैं कि कंट्री की यूनिटी को दिखाता है डायवर्सिटी डायवर्सिटी मीन्स की अलग अलग तरह के लोग मिलजुल रहते हैं यूनिटी मीन्स मिलजुल रहते हैं और डायवर्सिटी अलग अलग तरह के लोग इट इज अ शो तो रिपब्लिक डे परेडे क्या दिखाती है हार्ड पावर दिखाती है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दो तरह की पावर्स होती हैं सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से बातचीत से इमोशन से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको होते हैं सॉफ्ट पावर हार्ड पावर होती है जहाँ पे आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है आपकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं आप क्या क्या कर सकते हो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं हमारे पास कितने हमारे पास लोग हैं आर्मी में कितने ट्रेन हैं वो ये सारा का सारा हार्ड पावर होता है तो रिपब्लिक डे के दिन क्या किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन हमारी हार्ड पावर को दिखाया जाता है हम हाईलाइट करते हैं कि इंडिया की मिलिट्री माइट क्या है माइट मतलब पावर इंडिया की मिलिट्री पावर को शो करते हैं अलोंग साइड साइड के साथ हम अपना कल्चरल हेरिटेज हमारी विरासत को शो करते हैं सॉफ्ट पावर को भी शो करते हैं सॉफ्ट पावर मीन्स हम हमारे अंदर कितनी स्किल्स हैं देयर इज अ शो ऑफ दिखाया जाता है स्टेट पावर को कि स्टेट्स के अंदर कितनी पावर है बट इट इज ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिवल है पीपल्स पावर लोगों की पावर का भी परेड जो है सेलिब्रेट करती है द मेमोरी हम याद करते हैं ऑफ द मोमेंटस मोमेंटस मीन्स इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे के परेड पे हम याद करते हैं उस इंपॉर्टेंट स्ट्रगल को जो रिपब्लिक के फाउंडर्स ने ली थी फ्रीडम के लिए हमें फ्रीडम दिलवाया था हमें आज़ादी दिलवाई थी फ्रॉम इंपीरियलिज्म इज ब्रिटिश कंट्रोल से ब्रिटिश रूल से हमें फ्री करवाया था एंड टूवर्ड्स बिल्डिंग और जो उन्होंने कोशिश की थी एक बहुत ही मॉडर्न और एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाने के लिए जो थीम है इस बार के दो हजार चौबीस रिपब्लिक डे की क्या थीम है इस बार की थीम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया जो कि डेमोक्रेसी सबसे बड़ा नेशन है जहां पे डेमोक्रेसी है आई एंड विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया ये दोनों की दोनों थीम्स हैं इस बार के रिपब्लिक डे परेड की लास्ट पैराग्राफ सभी लोग रीड करेंगे

एक कमेटी बनाई जाती है बहुत ही डिस्टिंग्विश डिस्टिंग मीन्स रिनोन्ड बहुत ही पॉपुलर बहुत ही रिनोन्ड रिनोन्ड जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उन लोगों की एक पूरी पूरी कमेटी बनाई जाती है जो अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं ये सारे के सारे प्रपोजल्स को स्क्रीन करते हैं चेक करते हैं जो स्टेट्स भेजती है ऑर्गेनाइजेशन भेजती है विजुअल अपील कि देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए इम्पैक्ट ऑन द मासेस लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए थीम क्या है किस डिटेल में उसको बताया गया है क्या म्यूज़िक यूज़ किया जा रहा है क्या लोकल आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं या नहीं ये सारे के सारे की की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी टेबल्यू के सिलेक्शन में किसी भी प्रपोजल के सिलेक्शन में इट इज़ ए अनफॉर्चुनेट टर्न ये बात बहुत दुखद है बहुत अभागी है फॉर अ चेरिश चेरिश में जिसको हम बहुत संजो के रखते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे इमोशन से अटैच होता है एक इतना नेशनल डे के लिए ये बात बहुत ही गलत है बहुत ही ख़राब है कि कुछ स्टेट्स को ऐसा लगता है कि उसको उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इससे इससे बाहर निकाल दिया गया है क्यों पॉलिटिकल रीजनस की वजह से रिगार्डलेस ऑफ़ इस बात को चलो छोड़ो कि उनका जो दुख है उनका जो दर्द है उनकी जो पीड़ा है वो सही है या नहीं है तो रिगार्डलेस ऑफ़ वेदर देयर एंग्विश इज़ जस्टिफाइबल और नॉट एफर्ट्स अगर कोशिशें की जाएं इस चीज़ को मिटिगेट करने की चीज़ को ख़त्म करने की मिटिगेट मीन रिड्यूस करने की तो ये क्या होगा ओकेजन को बी फिट करेगा बी फिट मीन्स ओकेजन के लिए एकदम सूटेबल होगा सेंटर को तरीके ढूंढने चाहिए शुड सीक वेज जिससे कि और ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी हो सिलेक्शन ऑफ टेब्ल्यू एक्स टेब्ल्यू एक्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है टेबल्यू का तो जो प्लूरल फॉर्म मतलब बहुत सारे प्रपोजल्स जो है उनको सिलेक्ट करने में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि मतलब कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो सिलेक्टेड है नहीं तो नहीं ऐसा कोई सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि डिपेंड करता है पूरा का पूरा बाकी चीजों पर नहीं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और ना के बराबर जगह होनी चाहिए कंप्लेंट की कि कि कोई भी ना कर पाए तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि भाई कमिटी होती है है भाई कमेटी होती वो डिसाइड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन बात मुद्दा ये है कि इसमें पॉलिटिक्स मत लेके आओ ना पॉलिटिक्स को बाहर करो सेंट्रल तरीका ढूंढने की ऑब्जेक्टिविटी हो कोई भी सब्जेक्टिविटी ना हो कंप्लेन कहीं से भी ना आए समझ आया सभी को तो टोन कैसी है कुछ कुछ जगह क्रिटिकल है ऑथर ने बोला है कि भाई उनको लगता है कि पॉलिटिकल रीजनस हैं बट पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए ऑथर कंसर्न भी है ऑथर ने लास्ट में सजेशन भी दिया है कि एक सेंटर को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अब आ जाते हैं आज के स्किमिंग वाले आर्टिकल पे अभी हमने रीडिंग की है नावी स्कीम एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को एक बार जल्दी इस सेशन को लाइक कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए अब आ जाते हैं आज के स्कीमिंग वाले आर्टिकल पे स्कीमिंग का क्या है एंड गेम एंड गेम मीनस फाइनल गेम चल देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं ट्राइपटाइट अग्रीमेंट ट्राइपार्टाइट का मीनिंग क्या होता है ट्राई ट्राई मीन थ्री तो जिसमें तीन लोग इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट तो ये जो अग्रीमेंट है ये बहुत ही ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल एग्जिट देता है टू डेयर्स उन ग्रुप्स को ऑफ मच वीकेंड यूएलएफ ए जिनका यूएलएफ ए बहुत वीक है अब यूएलएफ ए क्या है वो आर्टिकल पढ़ के समझ में आएगा चलिए रीड करते हैं स्किमिंग करनी है रीडिंग नहीं करनी है तो प्लीज स्किम द एवरी वन चलिए देखते हैं स्किमिंग करते हैं क्या लिखा है ऑथर ने लेट्स सी तो एक ट्राइपोटाइट अग्रीमेंट साइन हुआ इन तीन ग्रुप्स के बीच में अब ये एंड हो गया एक प्रोसेस का जो 2009 में शुरू हुआ था पंद्रह साल पहले जो चेयरमैन थे जो इस ग्रुप का फेस बने थे उनको अरेस्ट किया गया था और भी बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया था दो तक एक ग्रुप ने लड़ाई रोक दी थी बातचीत हुई इन्होंने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था बहुत सारे ग्रुप्स के साथ और जो ये जो कैम्प हैं स्टेंग पुट मतलब वहीं रुक गए थे एक थर्टी टू ईयर ओल्ड इतने लंबे टाइम से जो इंसर्जेंसी हो रही थी जो रिबेल हो रहा था जो विद्रोह हो रहा था उसको रोक दिया था फिर बहुत डिलेड टॉक्स प्रोसेस हुआ और वो पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुआ जिसकी वजह से एक मेमोरेंडम साइन हुआ जिसकी वजह से जो ग्रुप्स हैं वो मान गए हैं कि वो अपने सारे वेपन को सरेंडर कर देंगे और अपने कैंप्स को खाली कर देंगे तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है वही है कि एक चीज़ दो में स्टार्ट हुई थी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था फिर उसके बाद फिर बातचीत हुई थी फिर सीज फायर हुआ था ऑपरेशन रुक गए थे लड़ाई बंद हो गई थी लेकिन बहुत लंबे टाइम से इंसर्जेंसी चल रही थी ये प्रोटेस्ट चल रहा था अब फाइनली लास्ट वीक एक मेमोरेंडम साइन हुआ है एक ट्राइपटाइट अग्रीमेंट साइन हुआ है तीन लोगों ने तीन ग्रुप्स ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है और उन्होंने बोला है कि जितने भी उनके पास वेपन्स हैं वो उन सबको जमा कर देंगे और जहाँ जहाँ वो कैंप्स में रह रहे हैं उन सारे कैंप्स को खाली कर देंगे और ये जो इंसर्जेंसी है ये जो विद्रोह है जो रिबेल है इसको ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ना गहराइयों में नहीं पढ़ना है स्किमिंग सीखनी है सबको हाँ जी आगे क्या लिखा हुआ है तो जो कमांडर इन चीफ हैं इन्होंने इस प्रोसेस के ख़िलाफ़ थे वो 2009 में उन्होंने बोला था कि सॉवर्निटी इश्यूज का एक हिस्सा बनाओ सॉवर्निटी मीनस इंडिपेंडेंस जो है हमारा हमें इंडिपेंडेंट यूनिट बना दो तब से उनका जो ग्रुप है वो हमेशा लड़ाई करता रहता है पीस प्रोसेस उसने आने ही नहीं दिया उल्फ़ा जो है अब बहुत ही कमज़ोर ग्रुप बन चुका है और ऐसा विश्वास है कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में ही है इसकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है पहले इसके बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे नाइनटीन नाइन्टीज़ में लेकिन अब इसकी पावर खत्म हो चुकी है उस समय ये क्या कर पा रहा था डिसकंटेंट का लोग जो सेटिसफाइड नहीं थे उनका फ़ायदा उठा पा रहा था और प्रिबेल कर पा रहा था लेकिन अब ये बहुत कमज़ोर हो चुका है तब से ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट खत्म हो चुका है आसाम के फार्मर्स के बीच में तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं रहा इन लोगों का और ये जो वायलेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं वायलेंस यूज़ करते हैं सिविलियस को टारगेट करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करते हैं गरीब लोगों को टारगेट करते हैं उनसे पैसा लेते हैं एक्सटॉर्शन करते हैं फिर एक गलत ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जो बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर ही कुछ और है मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं इस सब की वजह से क्या हुआ है लोगों ने इनको फॉलो करना बंद कर दिया है लोग अब इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और इसकी वजह से इनके जो रिटर्न्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं मतलब इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही मेन आइडिया था कि उल्फा जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप हुआ करता था बट अब जो है ये बहुत ही कमजोर ग्रुप हो चुका है और किस वजह से अपने कर्म की वजह से अपने एक्शंस की वजह से अपने वायलेंस की वजह से चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है मिलिट्री ऑपरेशन किए थे भूटान में इसकी वजह से उसकी जो पावर थी वो ख़त्म हो गई थी और फिर उसके बाद शेख हसीना जी की जो ये गवर्नमेंट है बांग्लादेश में उसने ज़्यादातर जो आउटफुट के जो लीडर्स थे उनको हैंड ओवर हैंडेड ओवर मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स लीडर्स ज़्यादातर लीडर्स को क्या कर दिया हैंड ओवर कर दिया हैंड ओवर का तो मतलब होता है किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अब इन्होंने लीडर्स को हैंड ओवर कर दिया इसका मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दे दी मतलब जो लीडर्स थे वो सर हमारी सरकार को दे दिए तब से जो ग्रुप है इसने अपनी डिमांड जो थी इंडिपेंडेंस की उसको हटा दिया अपना जो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था डिमांड्स का उसको चेंज कर दिया उसने बोला कि हम अब हम क्या चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं आसाम के उनके उनका उनके इंटरेस्ट को हम सर्व करना चाहते हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएँ जो डिले हुआ कि बातचीत फाइनल नहीं हुई इसका मतलब था कि कुछ ग्रुप्स जो थे उन्होंने इन सालों में सारा का सारा कैंप छोड़ दिया था कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था उल्फ़ा को लेकिन रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि जो रिक्रूट्स थे जो लोग ज्वाइन कर रहे थे इस ग्रुप को बहुत कम हो गए थे रिसेंट रिसेंटली में तो जो खतरा था कि रिवॉल्ट करेंगे मिलिटेंसी का खतरा जो था जो बाकी बचे हुए लोग थे उल्फ़ा में वो भी कम हो गया था आसाम में लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना था जिससे कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड स्टैंडर्ड बढ़ जाए उनको अच्छा पैसा आने लग जाए या वो लोग अपनी जिंदगी को और अच्छे से जीना स्टार्ट करें तो फिर से इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही है कि ये ग्रुप जो है कमज़ोर हो गया था इस ग्रुप ने अपनी डिमांड्स को भी चेंज कर दिया था ये ग्रुप चाहता था कि हम एग्जिट कर जाएं लोग जो है इसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था वो लोग बाहर आते जा रहे थे तो ये सब चीज़ें हुई पावर खत्म हो गई थी इस ग्रुप की चलो बातचीत हो गई अब चीज़ें फाइनल हो गई हैं अब चीज़ें खत्म हो गई हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना है आसाम के फार्मर्स को और अच्छा बनाने के लिए लास्ट पैराग्राफ लगातार गरीबी बनी हुई है ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे और इसी चीज़ का लोग फायदा उठा रहे थे जैसे कि उल्फा तो उल्फ़ा वाले लोग किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे उल्फ़ा जो है फ़ायदा उठा रहा था गरीबी का सो दिस वॉज द मेन आइडिया तो मेन आइडिया क्या था इस पूरे पैराग्राफ का हमने स्किम किया वही तक ये ग्रुप था उल्फ़ा पहले बहुत स्ट्रांग था अब कमज़ोर हो गया और अब फाइनली एग्जिट कर गया और ये चीज स्टार्ट हुई थी 2009 में अब जाके खत्म हुई so है एक बार इसको रीड कर लेंगे सभी लोग कि अगर फ्लड होता है तो किस किस तरीके से लॉस कम किया जा सकता है एक लेटर भी आपको दिया हुआ है यू कैन रीड दिस ऑल्सो चलिए मैच द कॉलम्स का आंसर देंगे सभी लोग रेप्रीव मीन्स सुकून दिल को सुकून आया कहां है सुकून भाई चलो सेकंड में कमेंडेबल तारीफ करना कोई चीज तारीफ के लायक हो जियो खतरे में डाल देना प्रिवेल कोई बनी हुई है। किसी चीज की रेंज टू फोर फाइव वन थ्री स्कोरस एवरी वन दस वर्ड्स हैं सभी की जिम्मेदारी है कम से कम तीन वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखे एवरी वन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट थ्री वर्ड्स इन द कॉमेंट सेक्शन सब को लिखना है एवरी वन अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नोवोर इन रिलेशन बुक भी घर में भिजवाई जाएगी बट मेक श्योर दैट यू राइट अच्छा अब जो बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए ऑफर चल रहा है ऑफर क्या चल रहा है आपको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा कोड आपको क्या लिखना है कोड आपको लिखना है एच एन वाई थर्टी तो अब येस ऑफिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसमें आपको सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिलेंगे कोड आप लगाएंगे एच एन थर्ट एच एन वाई थर्टी से आपको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए ये ऑफर सिर्फ कल रात तक या परसों रात तक ही वैलिड है सारी क्लासेस चल रही हैं आप जितना डिले करोगे उतनी क्लासेस आपकी मिस होती जाएंगी फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी क्लासेस में आ रहे हैं अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो तो मेक श्योर करो कि सभी लोग क्लासेस में आना स्टार्ट करें ठीक है अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश का भी ऑप्शन है निमिशा बंसल एक्सक्लूसिव लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश मिलेगी लेकिन इसमें आपको कोड निमिशा ही लगेगा ये जो थर्टी परसेंट का डिस्काउंट है कंप्लीट वाले सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा एंड दैट इज एच एंड वाई थर्टी कोई डाउट है कोई क्वेरी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है आप उस फॉर्म को फिल करोगे टीम आपको कॉल करेगी आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी आप व्हाट्सअप करके भी हमको पूछ सकते हो व्हाट्सएप में भी आपको फॉर्म फिल करने को आएगा आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं थैंक यू एवरी वन बाय टेक केयर स्टेब्लेस टाटा कल के मैं विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ जिस बच्चे ने कमेंट किया था और टीम ने जिसको सिलेक्ट किया है जिसके घर बुक जाएगी तो विनर का हमारा नाम है एक सेकेंड नु शर्मा जे के थ्री आर ओ बेटा एक मेल कर देना टीम को सारी डिटेल्स भेज देना मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपकी बुक आप तक पहुंचा देगी थैंक यू एवरीवन वेरी